बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए मशरूम क्रीम सूप। इसमें जो है हम चिकन भी डालते हैं, तो इसको चिकन मशरूम क्रीम सूप भी कहते हैं, लेकिन वैसे इसको ज़्यादातर मशरूम क्रीम सूप कहते हैं। तो आजकल क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन -20 -10 तक चल रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है टेम्परेचर, तो इसमें इस तरह के सूप पीने चाहिए, ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये हमने यखनी बना के रखी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि हम लोग जो है वो नॉर्मली भी यखनी बना के रखते हैं। ये हमने चिकन बॉईल किया और उसकी जो यखनी निकली वो हमने अलग करके रख ली, इसी में हम ये सूप बनाएंगे। ये जो है ये है बन गोभी। बन गोभी जो है इसके अंदर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है मशरूम के साथ जब ये मिक्स होती है। तो बन गोभी इसमें हमने तकरीबन जो है वो आधी से तकरीबन ली है और उसको हमने श्रेड कर लिया है। चिकन जो है वो हमने दो ब्रेस्ट पीस लिए मीडियम साइज के, और इनको जो बॉईल किया और इनको इस तरह से श्रेड कर लिया, आपकी मर्जी है बारीक करना है मोटा रखना है, वो आपकी मर्जी है। क्रीम जो है वो तकरीबन आधी जाएगी, ये 500 ml की है लेकिन ये 250 ml जाएगी, तो हम आधी इसमें क्रीम डालेंगे। दो अंडे जाएंगे। कॉर्नफ्लोर जो है 7 से 8 टेबल स्पून जाएगा, क्योंकि ये आपको सूप को गाढ़ा करने के लिए डालना होता है, ये भी आपकी मर्जी होती है कि कम गाढ़ा करना है, जो भी आपकी मर्जी उस तरह करें। ये हमने जो है वो मशरूम है, मशरूम हमने जो है वो अपने हिसाब से इसको भी काट लिया है, तो ये भी आपकी मर्जी, जिस तरह का आपको कट करना है, जूलियन कट करना है, मोटा काटना है, चौड़ा काटना है, वो आपकी मर्जी है। तो ये भी तकरीबन हमने जो है वो 7 से 8 मशरूम लिए हैं। बाकी जो इसमें मसाले जा रहे हैं वो नमक हसबे जायका होगा, काली मिर्च जो है वो 1/2 टीस्पून जाएगी, चिली गार्लिक हॉट सॉस जो हम घर का बनाते हैं वो वाला इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जाएगा, ये चाइनीज सॉल्ट या जीरो मोतो, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है इसका टेस्ट तो डालें, नहीं लगता तो मत डालें, ये 1 टेबल स्पून जाएगा। चीनी जो है ये भी 1 टेबल स्पून जाएगी, और वाइट में ये मिर्च है जो काली मिर्च होती है उसी की वाइट मिर्च भी आती है, तो ये तकरीबन 8 टेबल स्पून जाएगी। तो ये सारे इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत इजी होता है, सिंपल होता है, क्विक बन जाता है, मज़े में भी बहुत अच्छा होता है और बहुत फ्लेवर आता है इसमें, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें बना के दिया करें, ये अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो चलें अब हम अपना कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो कि यखनी बना के रखी थी ये हम एक पतीले में शामिल कर देंगे। ये हमने जो है वो चिकन को सिर्फ लहसुन अदरक डाल के और बॉयल कर लिया था, इसमें हमने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि बाद में हम नमक तो ऐड करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो ये मैंने अभी यखनी इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगा, क्योंकि खाली यखनी का वैसे सूप बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए, क्योंकि उससे जो है वो आपका बैलेंस करता है वो चीज़ों को, तो वो अच्छा रहता है। तो अब हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे, जब यखनी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड करेंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है ये हमने जो ये यखनी चढ़ाई थी इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, अब इसके अंदर जो है वो उबाल आ गया, तो अब हम इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जो चाइनीज सॉल्ट हमने रखा था, ये हमने इसमें शामिल किया, ये नमक ये हमने डाला, नमक हसबे जायका है, अगर आपको कम ज़्यादा लगे आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए, चीनी ये इसमें जाएगी, काली मिर्चें जो पिसी हुई काली मिर्च थी वो इसमें जाएगी, काली मिर्चें कम जाती हैं, सफ़ेद मिर्च ज़्यादा जाती है, और ये सफ़ेद मिर्च ये इसमें जाएगी। ये हम पहले इसलिए डाल देते हैं क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये चीज़ें शामिल करेंगे तो कॉर्नफ्लोर क्योंकि गाढ़ा होता है तो चीज़ों में गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो इसलिए हम इनको पहले डालते हैं। अब इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर जाएगा, कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इस तरह से ये देख लें थोड़े से पानी में इसको हमने घोल के रख लिया है, ये हमने इसको थोड़े से पानी में घोल लिया था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर का भी मैंने आपको हिसाब बता दिया है, इतना आपने रखना है जितना आपको गाढ़ा पसंद है, अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो रख लीजिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा, अगर आपको जो है वो थोड़ा कम पसंद है तो फिर थोड़ा कम कर लें। ये चीज़ें इसमें हमेशा पहले जाएंगी, उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाएंगी। ये कॉर्नफ्लोर का जो हिसाब है ये बिल्कुल ठीक है,
अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना है वो आपकी मर्जी है। ये देखिए, अब ये हमने दो अंडे जो आपको दिखाए थे ये हमने फेंट के रखे थे, अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके अंडे शामिल करेंगे। चूल्हा आपने तेज़ रखना है, अंडे डालते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसको आपने चलाते जाना है, नहीं तो अंडों की गुठलियाँ बन जाएंगी। क्योंकि और ये इसलिए हम डालते हैं, इससे एक तो बहुत खूबसूरत देखें लुक आती है सूप की, और ये बहुत अच्छा है अंडा जो है, ये तो बहुत सर्दियों के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये देखेंगे अब इसका कलर एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें और मुस्तकिल चमचा चलाएं। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, अभी ये बिल्कुल ब्लैक हो रहा था, अब ये चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डालूंगा मशरूम, जो हमने मशरूम रखा था। ये हमने मशरूम डाल दिया। अच्छा, हम लोग जो है वो मशरूम जो है वो अक्सर ला के फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से आपको कुछ बनाना है तो अब आप भागे हुए जाएं बाजार, तो इसलिए आप पहले से घर में ये चीज़ें रखें। ये चीज़ें जो हैं वो अच्छा होता है घर में रखना। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है मशरूम का तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें, वो कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा जो मैंने चिली गार्लिक घर का बनाया हुआ है वो डालूंगा। और मैं इसको टेस्ट कर लूंगा और उसके बाद फिर मैं इसमें मज़ीद ऐड करूंगा। ये इसमें मशरूम भी चला गया। अब इसमें हम चिकन डालेंगे, चिकन भी आपकी मर्जी है, आपको ज़्यादा डालनी है, आपको कम डालनी है। अभी मैं इसमें इतनी ही डाल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से डाल के भी खाने का एक मज़ा आता है, ये बहुत डिफरेंट सूप होता है। अब इसमें हम डालेंगे गोभी। गोभी जो है वो तो खैर बहुत अच्छी चीज होती है। ये देखें, अब इसमें हमने गोभी भी शामिल कर दी। ये बड़ा तगड़ा सूप है और सर्दियों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये सब चीज़ें खानी चाहिए। ये सब चीज़ें जो फ़ायदा ही देती हैं, नुकसान कभी नहीं देती आपको। अब इसमें जाएगी क्रीम, ये सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया। अगर आपको इस कुछ चीज़ें लग रहा है कि इसमें और होनी चाहिए, जैसे चिकन आपको बढ़ाना है आप चिकन बढ़ा दीजिए, और अगर आपको हॉट सॉस बढ़ाना है आप हॉट सॉस बढ़ा दीजिए, वो आप हॉट सॉस ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं। तो ये जो क्रीम, अब हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, वो आपकी मर्जी है, आपको ज़्यादा डालना है कम डालना है। और ये थोड़ा सा सिरका भी हम इसमें अभी इसी के अंदर ऐड कर देंगे, ये मैंने आपको सब बताना भूल गया था। तो थोड़ा सा आप इसमें सोया सॉस और थोड़ा सा आप इसमें सिरका डाल लीजिए। अब इसमें जाएगी क्रीम, तो क्रीम मैंने आपको जैसा कि बताया कि ढाई तकरीबन जो है वो 250 ml जाएगी। ये 500 का वो है। ये इस सूप का देखें कलर ऐसा आना चाहिए, तो इसीलिए इसको क्रीम मशरूम सूप कहते हैं। और चिकन जो है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन चिकन डाल देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे फिर बहुत शौक से इसको पीते हैं। ये देखें, अब ये सूप बिल्कुल रेडी है। जो क्रीम मशरूम सूप होता है उसका कलर यही होता है, इसमें क्रीम डालते हैं तो उसकी वजह से इसका ऐसा कलर आ जाता है। तो अब ये हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी मर्जी है, अगर आपको इसमें चीज़ें मज़ीद बढ़ानी है तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इतने सूप में इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये हमने डिश आउट कर दिया है चिकन मशरूम सूप या क्रीम मशरूम सूप, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये आप बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट भी है, हेल्दी भी है,
तो ये आप बनाएं, खाएं, खुश रहें, खुश रहने दें और हमारी अगली रेसिपी का इंतजार करें। बहुत जल्द हम अपनी रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।